तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच एक बार फिर हम आ गए हैं आपके पास आपके विधानसभा क्षेत्र के लेखा जोखा लेकर, और आज बात करेंगे ग्वालियर विधानसभा सीट की। जी हां, ग्वालियर जिले की ग्वालियर विधानसभा सीट, जहां से ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर फिलहाल विधायक है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। तो देखिए, मध्य प्रदेश के तेज तर्रार ऊर्जा मंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में आपको बता दें कि फिलहाल ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र से प्रद्युमन सिंह तोमर विधायक हैं, वो प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री भी हैं। वहीं अगर पिछले चुनावों की बात करें तो कांग्रेस के सुनील शर्मा को उन्होंने शिकस्त दी थी। हालांकि यहां पर दर्शकों को ये भी बता दें कि 2018 में प्रद्युमन सिंह तोमर जब कांग्रेस में थे तब उन्होंने बीजेपी के जयभान सिंह पवैया को शिकस्त दी थी। 2020 में प्रद्युमन सिंह तोमर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए और फिर उपचुनाव में कांग्रेस नेता सुनील शर्मा को उन्होंने शिकस्त दी और एक बार फिर यहां से वो विधायक का चुनाव जीते थे। अब बात करेंगे ग्वालियर में किस पार्टी का दबदबा है। तो आपको बता दें कि यहां पर वैसे तो बीजेपी का दबदबा देखा जाता है, लेकिन फिलहाल इस साल इस विधानसभा चुनाव से पहले माना जा रहा है कि यहां पर बीजेपी कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। वहीं बात करेंगे कि किस जाति का वर्चस्व है, तो यहां पर आपको बता दें कि ओबीसी, क्षत्रिय, ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट सभी का वर्चस्व देखा जाता है। यहां पर सभी बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक माने जाते हैं, यानी कि सामान्य वर्ग हो गया, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति का यहां पर वर्चस्व है। वहीं विधानसभा चुनाव में किसको टिकट मिलेगा, तो आपको बता दें कि जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बीजेपी एक बार फिर प्रद्युमन सिंह तोमर के ऊपर भरोसा जता सकती है। ये भी बता दें कि प्रद्युमन सिंह तोमर जो हैं वो सिंधिया खेमे से आते हैं। वहीं कांग्रेस को लेकर माना जा रहा है कि एक बार फिर कांग्रेस सुनील शर्मा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। आपको बता दें कि 2023 का विधानसभा चुनाव और ग्वालियर का जो विधानसभा सीट है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहां से कई सारे नेता 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे, कई उपचुनाव में जीते भी हैं, कई को हार भी मिली है। हालांकि प्रद्युमन सिंह तोमर वो नेता हैं जिन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की थी। अब देखना होगा कि इस चुनाव में क्या कुछ रहता है, जनता किसके ऊपर भरोसा जताती है। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।